हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेवल विद राठी की एक और नई वीडियो में। हम दिल्ली टू गोवा बाइक ट्रिप कर रहे हैं, आप सभी को पता है, वीडियोस देख रहे हो। और हाँ, अभी हम आ चुके हैं मुंबई। अहमदाबाद थे पहले, अब आ चुके हैं मुंबई। मैं मुंबई ऑलरेडी रह के जा चुका हूँ पहले। मैं पहले मुंबई में ही रहता था, मैं यहीं पे शिफ्ट था। फैमिली दिल्ली में थी, मैं यहाँ पे शिफ्ट था। तो वो सब भी दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे मैं पहले रहता था, मेरा घर था जो पहले, जहाँ हम घूमते फिरते थे, वो सब दिखाऊंगा। और हाँ, अभी चल रहे हैं मुंबई की नाइट लाइफ देखने, मतलब मार्केट देखने, मार्केट को एंजॉय करने। कुछ खाएंगे पिएंगे बढ़िया, दिखाता हूँ आपको मार्केट यहाँ की। बहुत सुंदर मार्केट है यहाँ की। ये है लोखंड वाला मार्केट, चलती फिरती बिजी मार्केट, मुंबई की सबसे बिजी मार्केट। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल बिग बॉस वगैरह में सुने होंगे लोखंड वाला से लाया, तो यही है वो लोखंड वाला। ये देख लो सारे टिकटॉकर, सब कपड़े देखो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। गजब गजब के कपड़े हैं यहाँ पे, दिखाऊंगा मैं आपको सभी। ये देखो भाई, बच्चों के देखो, बच्चों के कपड़े हैं सुंदर सुंदर। महंगी मार्केट है थोड़ी सी, पर है अच्छी जबरदस्त। ऐसे ऐसे डिजाइनर कपड़े मिलेंगे ना, कभी देखे ही नहीं होंगे आपने लोखंड वाला मार्केट में जो मिलेंगे। ये देखो लड़कियों के कपड़े, लड़कियों की मार्केट है भाई। ये देखो जबरदस्त मार्केट है, पूरा माहौल सजता है यहाँ पे शाम को। ये देखो मार्केट, देखो तुम कितनी सुंदर है। ये देखो सेल के कपड़े भी हैं, सेल लगी हुई है। मिनी शो, ये पूरी मार्केट लोखंड वाला। ट्रैफिक देखो कितना है यहाँ, मुंबई का ट्रैफिक, वर्ल्ड फेमस मुंबई का ट्रैफिक। ये देखो हरे लाल पीले नीले, जैसे चाहिए वैसे सतरंगी चमकीले। खाने पीने का सामान भी है यहाँ, चिकन शोरमा वगैरह मिल जाता है सारे, पूरी मार्केट में सब कुछ मिलता है यहाँ। ये ज्वेलरी शॉप, ये बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, ये जितने भी टिकटॉकर सब ने खरीदे हैं यहाँ से, ये रंगीन कपड़े। ये बच्चों के कपड़े इतने महंगे हैं यहाँ पे कि बड़े लोगों के कपड़े भी नहीं आएंगे इतने महंगे। और ये पर्स वगैरह, लेडीज पर्स की मार्केट, फोन कवर्स। यहाँ फूड मिलता है बहुत फेमस, अच्छा फूड यहाँ पे। ये गिफ्ट शॉप्स वगैरह है भाई, ये देखो गिफ्ट वगैरह लेने हो। ये देखो जबरदस्त जबरदस्त, ये देखो। अमित भाई कह रहा है कि अमित भाई का धंधा गिर गया है, कपड़े की दुकान थी अमित भाई की, यहाँ वो बंद होगी, अमित भाई को दोबारा करनी पड़ेगी। अब अमित मेरे साथ घूम रहा है 11 दिन से मेहनत करता हुआ, सब्सक्राइब तुम कर नहीं रहे हो, सब लोग सब्सक्राइब करो भाई चैनल को अपने। ऐसी स्टाइलिश इयर रिंग्स हैं देखो, इयर रिंग। मुंबई का ट्रैफिक, भाई यहाँ ना ज्यादातर कपड़े हैं जो लड़कियों के ज्यादा मिलते हैं मार्केट में, लड़कों के भी हैं पर कम हैं। और ये आगे आ गया अमित भाई मेरे को मार्केट घुमाते हुए, मैं तो घुमाऊंगा पर अमित भाई ज्यादा जानते हैं यहाँ मुंबई के बारे में, ज्यादा रहा है। पूरी मार्केट घुमाऊंगा मैं आपको आज लोखंड वाला, वर्ल्ड फेमस, मुंबई की सबसे फेमस मार्केट है ये कपड़ों की। यार ये अमित ना मेरे को टेंशन बहुत देता है, मैं इसको बोलता रहता हूँ कि चल मेरे साथ घूमने, ये बोलता है सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे लोग, तो घूमता रहे इधर उधर, तेरी वीडियो चल नहीं रही कुछ तो करो यार, अमित भाई को खुश करो सब। बन रही है वीडियो तो बोल। अमित भाई को खुश नहीं करना है, अमित भाई कोई राजा साहब नहीं है, तुम्हारी तरह हैं हम। ये खाने पीने का भी शॉप है इधर, ये पूरी मार्केट, अपनी बाइक इधर खड़ी है सामने, और हम तो डिपेंड।
देखो ऑटो ऑटो है भाई, मुंबई में बहुत भीड़ है भाई। ये दोनों तरफ जबरदस्त रंगीन कपड़े। मैं आपको बता दूं कि आपके प्यारे जो भी प्यार करते हैं, मिस्टर भजू की दुकान है। कौन सी? ये रॉकस्टार मिस्टर फैजू की शॉप है भाई। ये रेस्टोरेंट है बुर्गर, ये देखो अब्दू रोजिक का जो रेस्टोरेंट है, इंडिया में पहला रेस्टोरेंट ओशिवारा में, ये ओशिवारा रोड है, ये यहाँ पे अब्दू का रेस्टोरेंट है, ये वाला बुर्गर। ये आगे भाई हम जुहू बीच नाइट में, ये दिखाता हूँ आपको जबरदस्त लहरें, ये देखो समुंदर की लहरें, कितनी भीड़ है रात में भी। ये देखो ये दिन में शिप्स चलती हैं छोटी छोटी सी। ये सामने पता नहीं क्या खड़ा है, कोई शिप खड़ी है क्या है? ये देखो लहरें कितनी तेज है। ये देखो जुहू बीच, रात को कितना गंदा हो रखा है। कुछ ऐसी है मुंबई की नाइट लाइफ, मुंबई कभी सोता ही नहीं है, पूरी रात चलता रहता है भाई। ये तो है, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको जुहू चौपाटी, ये देखो कितनी गंदी है। ये सब देखो हाल, देखो क्या क्या हुआ लोगों ने। पर समुंदर का एक असूल है, अगर आप उसमें गंदगी डालोगे तो वापस बाहर फेंक देगा, वो अपने अंदर कुछ नहीं लेके जाएगा, इसलिए ये सब इतना गंदा है। अभी हम लेकर चलते हैं आपको जुहू बीच, ये थी जुहू चौपाटी।